ईस्टर के मौके पर रविवार के दिन श्रीलंका में एक के बाद एक 8 सिलसिलेवार धमाकों से श्रीलंका में 3 गिरजाघरों, 3 होटलों और 1 गेस्ट हाउस में करीब एक साथ हुए 8 विस्फोटों में जान गंवाने वाले लोगों को गोरखपुर क्राइस्ट चर्च द्वारा रविवार को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस अवसर पर मसीही समाज के लोग भी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीन ऑफ गोरखपुर फादर अजीत लॉरेंस ने कहा, मेहरबानी से आप सब खड़े हो जाएं और इसके बाद कैंडल जला के हमारे जितने आदरणीय बिशप साहब कैंडल जला के आ जाइए आगे। प्रभु जी आपकी होशंगाबाद के नारे लगाते हुए और आपकी जय जयकार करते हुए उस स्थान पे उपस्थित हुए हैं, लेकिन हे दयालेश्वर हम इस समय उनको याद करते हैं जो चर्च ये कार्य शैतान का है, क्योंकि शैतान ने अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को संगठित रूप से संगठित कर रखा है जो मानवता के विरोधी हैं और मानव जीवन को नाश करना चाहते हैं। इसी कड़ी में इस बम ब्लास्ट में जितने लोग मारे गए हैं और यीशु नाम जो चंगा करने वाला नाम है, हमारे जीवते परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के उनको उनके स्थान पर, तकलीफ है, जख्म है, वो जल से भर जाए, वो अपने बिस्तरों से उठ के अपने दैनिक कार्यों में संलग्न हो सके। रेवरेंड अजीत लॉरेंस, प्रेसबिटर इंचार्ज, डीन ऑफ गोरखपुर। श्रद्धांजलि जो है, हमारे जितने भी आए हुए फादर हैं, चीफ गेस्ट हैं, सबों ने मिलकर श्रीलंका में जो घटनाएं हुई है वो बिल्कुल से निंदनीय है, जो हमारे लिए बहुत काफ़ी जो है दुख है, और इसी के याद में हम वहां के मसीह समाज के लिए आज हम श्रद्धांजलि, जो मारे गए 150 लोग हैं।